पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि पैरामीटर को कैसे क्रिएट करते हैं। आज हम लोग सेकेंड रिक्वायरमेंट पे वर्क करेंगे, एक्शन को ऐड करेंगे पैरामीटर पर। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इस फिल्टर को हम लोग रिमूव कर देते हैं। देन जो हम लोगों ने पैरामीटर क्रिएट किया था पिछले वीडियो में सॉर्ट ऑप्शन का, तो यहाँ पर हम लोग क्लिक करते हैं। तो जैसे ही हम लोग यहाँ पर क्लिक करेंगे, आपको ऑप्शन शो होगा शो पैरामीटर कंट्रोल का। तो जैसे ही हम शो पैरामीटर कंट्रोल पर क्लिक करेंगे, तो आपको एक फिल्टर लाइक ऑप्शन यहाँ पर राइट साइड शो होगा। तो इस फिल्टर लाइक को हम लोग क्या करते हैं, ड्रैग कर कर यहाँ पर लाते हैं। यहाँ पर जैसे ही हम लाते हैं, तो आपको यहाँ पर जो इसके लिस्ट फॉर्म में सेल्स और प्रॉफिट, इस पर हम क्लिक करेंगे, जो हमारी रिपोर्ट है वो शॉर्ट नहीं हो रही है, तो ये आपको वर्क नहीं कर रहा है। तो जो बेसिकली हम लोग क्या चाहते हैं, जो हमारी रिक्वायरमेंट है, जैसे सपोज जैसे इंड यूजर है, इंड यूजर जैसे यहाँ पर आएगा, तो इस रिपोर्ट को अगर वो सॉर्ट करना चाहेगा इन टर्म्स ऑफ सेल्स एंड प्रॉफिट, तो वो सॉर्ट नहीं होगी। बट आपको यहाँ पर सेल्स के जस्ट बगल में आपको एक स्मॉल आइकन शो हो रहा होगा। तो जैसे ही हम इस यहाँ पर क्लिक करेंगे, तो ये देखिए रिपोर्ट सॉर्ट हो रही है। बट हमारी क्या रिक्वायरमेंट है, हमारी रिक्वायरमेंट है कि जो सर्चिंग ऑफ स्मॉल आइकन की जगह यूजर के लिए ऑप्शन अवेलेबल रहे ड्रॉप डाउन की तरह सेल्स और प्रॉफिट का। तो हम लोगों ने अभी तक क्या किया है, पैरामीटर को तो क्रिएट किया मगर एक्शन को ऐड नहीं किया है अभी तक। तो एक्शन को ऐड करने के लिए हम लोग सबसे पहले हम लोग अपनी रिपोर्ट पर आते हैं। तो एक्शन को ऐड करने के लिए अपनी अपनी रिपोर्ट में पैरामीटर में सबसे बेस्ट वे है यूज करने का कैलकुलेटेड फील्ड का। तो जो फर्स्ट टाइम हम लोग ओवरव्यू देखेंगे कैलकुलेटेड फील्ड का टैबलू में, कैलकुलेटेड फील्ड इज नथिंग बट यूज सर्टेन फंक्शन एंड फॉर्मूला विद इन योर रिपोर्ट। तो जो एक्शन को असाइन करने के लिए पैरामीटर में यूज करते हैं हम लोग कैलकुलेटेड फील्ड का, तो मीन्स यूज करेंगे सर्टेन फंक्शन एंड फॉर्मूला का हम लोग टैबलू में। तो हम लोग क्या करते हैं, इसके लिए सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं यहाँ पर अगेन, जो आपको यहाँ पे डायमेंशन सेक्शन है, यहाँ पर हम लोग एरो पर क्लिक करते हैं जहाँ से हम लोगों ने पैरामीटर को क्रिएट किया था। तो जस्ट अबव द क्रिएट क्रिएट पैरामीटर ऑप्शन आपको ऑप्शन अवेलेबल होगा क्रिएट कैलकुलेटेड फील्ड का। तो हम लोग यहाँ पर क्लिक करते हैं। तो जो आपको टैबलू प्रोवाइड करता है ऑप्शन टू यूज फॉर्मूला एंड फंक्शन टू असाइन द एक्शन फॉर पैरामीटर, तो इस पर्टिकुलर जो विंडो है ऑप्शन से अप्लाई करेंगे सभी फॉर्मूला और फंक्शन का टैबलू में। तो जो हम लोगों ने यहाँ पर एक्शन का हम लोग नेम असाइन कर देते हैं चूज ऑप्शन, अब इसके बाद जैसे कि हम लोग को एक कैलकुलेटेड फील्ड में एक स्मॉल कोड लिखना रहेगा, फॉर्मूला लिखना रहेगा, तो उसको हम लोग देखते हैं कैसे लिखते हैं। तो जो फॉर्मूला हम लोग को यहाँ पर करना है लिखना है, वो हम लोग को क्या करना है कि जो सेल्स और प्रॉफिट था आपको यहाँ पर, तो जो डिफाइन डिफरेंट टाइप ऑफ ऑप्शन के लिए हम लोग को एक स्मॉल फॉर्मूले को लिखना पड़ेगा। तो जो किसी भी टेबलू में किसी भी चीज़ को डिफाइन करने के लिए जो डिफरेंट ऑप्शन है, उसको हम लोग यूज करते हैं केस फॉर्मूले का। तो केस बेसिकली क्या होता है, स्विच फंक्शन होता है विच हेल्प डिफाइन डिफरेंट टाइप ऑफ कंडीशन। जब आपकी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है, तो आपको एक डिजायर रिजल्ट फाइंड आउट हो जाता है। तो केस फॉर्मूले को कैसे लिखते हैं, अपने एक सर्टेन ऑप्शन को डिफाइन करने के लिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर केस शॉर्ट ऑप्शन सेल्स देन देन सेल्स व्हेन प्रॉफिट
हमने जैसे ही ये फॉर्मूले लिखो तो देखिए आपको यहाँ पे कैलकुलेशन इज वैलिड, तो यहाँ पर आपकी कोई एरर नहीं है। अगर आपको एरर रहेगी तो वो आपको शो करेगा, जैसे सपोज जैसे हम यहाँ पर करते हैं तो कैलकुलेशन कंटेंस एरर, तो वो आपको यहाँ पर शो होने लगेगा। तो यहाँ पर हमारा जो हमने ये फॉर्मूला लिखा केस फॉर्मूले को डिफाइन करने के लिए अपने ऑप्शन को, यहाँ पर हमारा ये फॉर्मूला राइट है। तो जैसे ही हम यहाँ पर क्लिक करेंगे ओके पर, तो जैसे ही हमने यहाँ पर ओके पर क्लिक किया तो आपको एक न्यू मेजर आपको फाइंड आउट यहाँ पर मिल गया चूज ऑप्शन का। नाउ जो सेकेंड क्राइटेरिया था हम लोगों ने उसको फिलफिल कर लिया। अभी हम लोगों ने क्या किया, टैब पैरामीटर के लिए पैरामीटर को क्रिएट किया और उस पैरामीटर को जो एक्शन था उसको हम लोगों ने असाइन कर दिया। बट अभी तक हम लोगों ने उस एक्शन को इंटीग्रेट नहीं किया है पैरामीटर से, तो इसको कैसे इंटीग्रेट करते हैं उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। जो आपको हमने बताया था कि पैरामीटर के लिए 3 यूनिवर्सल रूल है, आपको उसको फॉलो करना रहेगा। पहले आपको पैरामीटर क्रिएट करना है, देन एक्शन को असाइन करना है, देन इंटीग्रेट करना है। तो दो चीज़ें हम लोगों ने डन कर ली हैं। अब जो हमारी जो थर्ड रिक्वायरमेंट है उसको हम लोग कैसे फुलफिल करेंगे टैबलू में, उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए इतना ही, धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।